बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के विवादित बयान देने के बाद इस मामले में जमकर राजनीति हो रही है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, बीते दिनों प्रकाश जावड़ेकर मुंबई के परेल महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने इस मामले में कहा कि अगर कोई खुद को सुरक्षित देश में असुरक्षित महसूस करता है तो ये उसकी असुरक्षित मानसिकता का संकेत है। हर किसी को इस देश में अपने विचारों को रखने का हक है और अपनी कला को व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह का आरोप सही नहीं है। सुरक्षित रहकर असुरक्षित महसूस करना एक पैशन बन गया है। वहीं बीते दिनों बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता अनुपम खेर ने भी इस मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा था, जिस देश में सेना पर पत्थर फेंक सकते हैं, जिस देश में सेना को गाली दे सकते हैं, उस देश में और कितनी आज़ादी चाहिए। वैसे आपको बता दें, देश में असुरक्षित महसूस करने को लेकर जो बात नसीरुद्दीन शाह ने बोली है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। SPN9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।